मेवात में अवैध कॉलोनी काटकर लोगों के जीवन भर की कमाई टकराने वाले प्रॉपर्टी डीलर से लेकर अवैध निर्माण करने वाले लोगों पर चला योजनाकार वाहक की पैनी नजर है। ऐसे लोगों के खिलाफ डीटीपी वाहक लगातार बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है। एक के बाद एक हो रही बुलडोजर कार्रवाई से अवैध कॉलोनी काटने वाले प्रॉपर्टी डीलरों की नींद उड़ गई है। डीटीपी विनेश कुमार ने बताया कि नुहू जिले में जितने भी अवैध कॉलोनी है या अवैध निर्माण हो रहे हैं उनको ध्वस्त करने की कार्रवाई उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा के दिशा निर्देश अनुसार किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि तकरीबन 40 एकड़ में अनाधिकृत जो 6 कॉलोनियां गजरपुर, कोराली इत्यादि इलाकों में थी उन पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा है कि पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई है। प्रॉपर्टी डीलर का कमरा, डीपीसी इत्यादि को बुलडोजर से गिराया गया है। आपको बता दें कि कार्रवाई की जा रही है। मीडिया के माध्यम से आमजन से अपील की जा रही है, इन अवैध कॉलोनियों में कोई अपना पैसा खर्च ना करें, इनका टूटना लाजमी है। लगातार ऐसे निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है। डीटीपी विनेश कुमार का कहना है कि जब भी उन्हें कोई शिकायत अवैध कॉलोनी की मिलती है तो तुरंत तो उसको नोटिस देकर उस पर कार्रवाई की जाती है। नुहू जिले में अलग अलग इलाकों में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई से अवैध निर्माण को ढहाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे ही शिकायत आती है कारण बताओ नोटिस जारी दिया जाता है, 15 दिन का समय भी दिया जाता है। उसके बाद अगर पक्ष सही पाया जाता है तो उसको समय दिया जाता है, वरना दूसरा नोटिस देकर ध्वस्त करने की कार्रवाई तुरंत अमल में लाई जाती है। डीटीपी नू का कहना है कि जो डीलर हैं, जो अवैध कॉलोनी काट रहे हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराए जा रहे हैं। अब तक तकरीबन 35 से 40 FIR दर्ज करने के लिए पुलिस वाहक को भेजा हुआ है। उसके बाद इस मामले में कोर्ट की भी कार्रवाई होगी। आप देखें नू मेवात से लियाकत अली रिपोर्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, मैं आपके माध्यम से आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नू जिले में जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं या अवैध कंस्ट्रक्शन है उसको लगातार जो है डेमोलिशन करने का कार्रवाई जो है वो माननीय उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार की जा रही है। और जो आज हमने जो है डेमोलिशन की प्रोग्राम जो इम्प्लीमेंट किया है वो लगभग जो है 40 एकड़ में अनऑथराइज कॉलोनिया में किया है, जिसकी 6 कॉलोनिया थी, इसमें गजरपुर, कोराली, सोहना और हिर। मतलब क्या कार्रवाई की गई है, क्या पुलिस फोर्स वगैरह साथ में? देखिए, पुलिस फोर्स सब कुछ हमारे पास मुहैया करवाया गया था और जिसमें हमने डीपीसी, एक प्रॉपर्टी डीलर का रूम, बाकी जो है रोड नेटवर्क, कच्चा नेटवर्क, रोड नेटवर्क भी था और कुछ WBM रोड्स भी थे, वो सारे हमने डेमोलिशन किए हैं। कार्रवाई के दौरान क्या कोई विरोध? देखिए, ऐसा कुछ विरोध देखने को नहीं मिला, लेकिन आपके माध्यम से मैं लगातार आपके चैनल के द्वारा भी आम पब्लिक को ये बताना चाह रहा हूँ कि इन अनऑथराइज कॉलोनीज में कोई भी अपना जो है पैसा ना लगाएं, क्योंकि इनका टूटना जो है वो लाजमी है और मेरी तरफ से लगातार जो है वो कार्रवाई की जा रही है। सर, एक महीने में तकरीबन कितनी कुछ कॉलोनियां अवैध पाई जाती है, कितनी कार्रवाई होती है, क्या कुछ आंकड़ा बताएं? देखिए, जैसे भी हमारे संज्ञान में कोई भी अवैध कॉलोनी आती है तो उसको तुरंत जो है उस पर नोटिस दे के जो है नेक्स्ट महीने जो है वो कार्रवाई करते हैं हम लोग। तो सर, इस तरह की जो कार्रवाई की जाती है कितने नोटिस उनको दिए जाते हैं, क्या जवाब उनका कोई आता है रिप्लाई में, तो किस तरह से कार्रवाई? देखिए, जब भी हमारे संज्ञान में कोई अवैध कॉलोनी या कंस्ट्रक्शन आता है तो उसको शो काज नोटिस देते हैं, 15 दिन का उनको टाइम दिया जाता है। उसके बाद कोई जवाब आता है या नहीं आता है उसको हम लोग जस्टिफाई करके, हमें जो कोई जस्टिफिकेशन लगता है कि हाँ ये वाजिब है तो हम उसमें जो है दोबारा से उसको थोड़ा सा टाइम देते हैं, नहीं लगता तो सेकेंड नोटिस दे के नेक्स्ट मंथ जो है वो डेमोलिशन की कार्रवाई तुरंत अमल में लाई जाती है। बिल्कुल जी, जो डीलर है उनके द्वारा, हमारे द्वारा जो है डीलर के खिलाफ भी जो है FIR भी दर्ज करवाई जा रही है। और पहले भी मैं आपके मार्फत ये बताना चाह रहा था, पहले भी बता चुका हूँ आपको, कम से कम हमने जो है 35 से 40 FIR और भी भेजी हुई है, जिसपे जो है कानूनन प्रक्रिया जो है पुलिस द्वारा अमल में लाने के बाद जो है माननीय कोर्ट में वो सुनवाई के लिए रखा जाएगा केस।